ब्रिज रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं ओरियो मिल्कशेक बनाने वाली हूँ और ये बच्चों का बहुत ही फेवरेट होता है और बहुत जल्दी बन जाता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो ओरियो मिल्कशेक के लिए मैं सबसे पहले ग्लास को डेकोरेट कर लेती हूँ। ग्लास के अंदर हम चॉकलेट सिरप को इस तरह से फैला देंगे ताकि ये बहुत ही सुंदर दिखेगा। तो मैं यहाँ 2 ग्लास यूज़ की हूँ। अब दूसरा ग्लास के अंदर भी हम इस तरह से सिरप को फैला दे रहे हैं और इसे फ्रीज में सेट होने देंगे। जब तक फ्रीज में सेट होगा तब तक हम ओरियो बिस्किट निकाल लेते हैं। अब एक साइड हम इसे रख देते हैं। जिसमें क्रीम नहीं लगा है उसे एक साइड करेंगे और क्रीम वाले बिस्किट को एक साइड कर लेंगे। तो विदाउट क्रीम के बिस्किट को हम क्रम्बल कर लेंगे और क्रीम वाले बिस्किट को हम बाद में यूज़ करेंगे। तो एक जार लेंगे और बिना क्रीम के ओरियो बिस्किट को हम इसमें तोड़कर डाल लेंगे और इस तरह से दरदरा पाउडर तैयार कर लेंगे और इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में और इसे हम बाद में यूज़ कर लेंगे। अब उसी जार में हम क्रीम वाले ओरियो बिस्किट थे उसे डाल लेंगे और इसमें 3 चम्मच हम चीनी का यूज़ किए हैं। चीनी हम अपने स्वाद के अनुसार लेंगे और 1 ग्लास हम फुल दूध का यूज़ किए हैं। हमें 2 ग्लास मिल्कशेक ओरियो मिल्कशेक बनाना है तो 1 ग्लास फुल दूध हम ठंडा दूध का यूज़ किए हैं और इसमें हम 3 स्कूप चॉकलेट आइसक्रीम डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम फ्रिज से हम ग्लास निकाल लिए, सेट हो गया है। अब इसके नीचे ओरियो पाउडर को डाल देंगे, ओरियो बिस्किट का जो पाउडर बनाए थे उसे डाल देंगे और ओरियो मिल्कशेक को डाल देंगे और ऊपर का हिस्सा थोड़ा खाली रखेंगे ताकि इसमें हम आइसक्रीम डाल सकें। तो इसमें मैंने चॉकलेट आइसक्रीम का यूज़ किया, चाहे तो हम वेनिला आइसक्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर क्रम्बल किया हुआ ओरियो बिस्किट को हम डाल देते हैं और एक एक ओरियो बिस्किट डाल के हम इसको डेकोरेट करते हैं। हम इसे बिना आइसक्रीम का भी बना सकते हैं। अब इसके टॉप पे हम चॉकलेट सिरप को डाल देंगे और ये कितना अच्छा दिख रहा है। चॉकलेट सिरप डालने से बहुत ही यमी लग रहा है, बहुत ही अच्छा बना है। तो आज का ये ओरियो मिल्कशेक आपको कैसा लगा, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।